नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। संभल में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर अनुयायियों ने उन्हें याद किया, साथ ही उनके आदर्शों पर चलने की शपथ भी ली। इस अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी सतीश प्रेमी ने कहा कि संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने ये विश्वास जताया था कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि जाति और धर्म से चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी लोगों को समानता के अधिकार दिए हैं। इस देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। यही कहना चाहेंगे, बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि ये देश संविधान से चलता है, न कि किसी धर्म और जाति से चलता। ये हमारा भारतीय संविधान सबको समान रूप से जीने का अधिकार देता, सम्मान का अधिकार देता है। और यही संदेश लेकर के हम तमाम अंबेडकर मिशन के लोग इस संविधान को साक्षी मान करके आज निकले हैं और परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम। वहीं फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। बता दें कि अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्देशन में मुखबिर को सूचना पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध असलाह बनाने में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कारतूस समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। टीम और जहानाबाद थाने की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जंगल से तमंचे की फैक्ट्री बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसे 13 तमंचे बने हुए, जिसमें पीतल के, लोहे के ढेर सारी नाल बरामद हुई हैं, उपकरण ढेर सारे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। और निश्चित तौर पे इन 13 तमंचों का उपयोग इस होने वाले नगर निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं किया जाता, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इनके मनसूबे को पानी फेरा है। निश्चित तौर पे ये इन असलहों का उपयोग अगल बगल के जनपदों में भी होता और मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये। वहीं रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री मेंस यूनियन संबंध AIRF के भूतपूर्व कार्यवाहक महामंत्री स्वर्गीय ऋतुराज शुक्ला के स्मृति पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान लखनऊ के डॉक्टरों की टीम ने रक्त शिविर का आयोजन कर AIRF के पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर 15 से 20 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। बता दें कि डॉक्टर मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से कुल 10 डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में आकर रक्तदान शिविर में भाग लिया, जिसमें डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, स्वाति सिंह, शिखा तिवारी, ज्ञानित सहित सारा स्टाफ मौजूद रहा। हमारे कार्यवाहक महामंत्री जी इस यूनियन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम और कार्यवाहक महामंत्री जी दोनों ही लोग मिलकर इस यूनियन का यहाँ गठन किए, लेकिन 2 वर्ष पूर्व कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण स्वर्गीय ऋतुराज शुक्ला जी का देहावसान हो गया। पिछले साल हम लोग उनके जन्मदिन पर और इस साल उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि हम लोग साल भर उनको उनकी स्मृतियों को याद रखें और यूनियन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था स्वर्गीय ऋतुराज शुक्ला जी की स्मृति में। ऋतुराज शुक्ला का क्या परिचय है आपका, जो आप लोग विगत वर्षों की भांति ब्लड डोनेट कर रहे हैं? आप सन 2013 से यहाँ रेल कोच फैक्ट्री मेंस यूनियन की स्थापना आपने की, आप यहाँ के कार्यवाहक महामंत्री थे और विगत 2 वर्ष पूर्व वो हमारे से दिवंगत हो गए। अब उन्हीं की स्मृति में हम लोग यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं। कुल कितने लोगों ने रक्तदान किया? अभी लगभग 15 लोग हो गए हैं और हम संभावना है। वहीं आज पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर के बचत भवन में DM माला श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। साथ ही DM माला श्रीवास्तव, सिटी सहित कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद DM ने कर्मचारियों को संविधान की भी शपथ दिलाई।
बिल्कुल, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को हम लोग एक बार पुनः याद करके उनको नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और इस देश की संरचना में, संवैधानिक व्यवस्था में, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में उनका जो बहुमूल्य योगदान रहा है उसको याद करते हुए हम लोग पुनः अपने आप को आमजन की सेवा में एक बार फिर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अग्निशमन दिवस के मौके पर रायबरेली अग्निशमन विभाग ने बाइक रैली निकालकर मुंबई के एक बंदरगाह में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और फायर ब्रिगेड द्वारा निकाली गई बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमते हुए लोगों को आग से बचाने के तरीकों के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दिवस मुंबई के बंदरगाह पर 1984 में 59 अग्निशमन कर्मियों की शहादत के रूप में मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल 1944 के दिन मुंबई बंदरगाह में भीषण अग्निकांड घटित हुआ था, जहां आग बुझाने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तभी से प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन ये 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जहां सर्वप्रथम जो जिन कर्मचारियों ने प्राणों की आहुति दी थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। उसके पश्चात 1 सप्ताह तक ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अगली खबर शाजापुर से है, जहां 2 दिन पहले बर्बर तरीके से की गई ट्रांसपोर्ट मैनेजर हत्याकांड का आज सदर पुलिस ने खुलासा किया है। बताते चले कि ट्रांसपोर्ट के मैनेजर अंशुल को खंभे से बांधकर डंडों से पीट पीट कर बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले मैनेजर की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर अंशुल की हत्या इतनी बर्बरता पूर्वक की गई थी कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्याकांड का खुलासा करते हुए बरेली के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि अंशुल की हत्या बहुत ही बर्बरता पूर्वक हुई है। कानपुर में गोविंदपुरी में नए पुल के नीचे से अंबेडकर नगर जयंती के उपलक्ष में अंबेडकर वासियों द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में दलित समाज से जुड़े लोगों ने मिलकर वाहन शोभा यात्रा निकाली। वाहन शोभा यात्रा आयोजक विनीत कुमार गौतम ने बताया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव के अवसर पर इस वाहन शोभा यात्रा का आयोजन विगत 7 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग यात्रा में शामिल हुए। विगत 5000 वर्षों से हम दलित शोषित वंचितों पे बर्बर अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे महापुरुष आए, कबीर आए, रविदास आए, नानक आए, पेरियार आए, चोखा बेल आए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ा जो उपकार हम दलितों पे किया है बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इसी एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं और समाज को शिक्षित कर रहे हैं। हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी चला रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बगैर परमिशन के जेसीबी से खुदाई का काम हो रहा था, जिसकी सूचना जिला खनन अधिकारी मोहम्मद दाऊद अंसारी को भनक लगती है। तत्काल मौके पर पहुंचकर 4 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी की तत्काल प्रभाव से सीज करके स्थानीय थाना को सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि कुछ ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं, जिनको स्थानीय पुलिस प्रशासन पकड़ने में नाकाम हो जाती है। अंबेडकर नगर में बेखौफ भूमाफियाओं का बोलबाला है। जी हां, हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि ताजा उदाहरण इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र अमीनपुर गाँव से देखने को मिला है, जहाँ पर बंजर भूमि पर अवैध तरीके से खनन करके उसके बाद बंजर भूमि पर पटाई करने का काम जोरों शोरों पर चल रहा था। सूचना पर पहुंचे जिला खनन अधिकारी मोहम्मद दाऊद अंसारी ने तत्काल 4 ट्रैक्टर 1 जेसीबी को सीज करके स्थानीय थाना यानी इब्राहिमपुर को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस मामले के आ जाने के बाद एक बात तो साफ है कि सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से लोगों की नज़र है और बगैर परमिशन के किस तरीके से अंबेडकर नगर में खनन जोरों शोरों पर चल रहा है, जो स्थानीय थाना की कहीं ना कहीं मिली भगत भी मानी जाती है। और ऐसे में इन पर आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो पाएगी या नहीं,
ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अम्बेडकर नगर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल पांडे जुड़ चुके हैं। राहुल, ये सरकारी जमीन पर अवैध खनन का काम चल रहा था, तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? जी हम बता दें, ये बड़े पैमाने पर लगभग होता चला आ रहा है। जहां तक अगर बात की जाए तो स्थानीय थाना की मिली भगत से पूरा खेल होता है। जो ये खनन का सिलसिला है, ये थाने में इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, और ऐसे में खनन अधिकारी को जब इस बात की भनक लगती है तो मौके पर पहुंचते हैं और अवैध तरीके से बिना बगैर परमिशन के खनन होता दिखाई पड़ता है, और सूचना के आधार पर खनन अधिकारी पहुंचे थे। और दूसरा पहलू तो ध्यान देने वाला ये है कि जो ये खनन कराने वाले हैं, ये पूर्व प्रधान हैं, जिनका नाम हकीमुद्दीन पुत्र स्वर्गीय खलील और अशरफ और शफीक, जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मिट्टी निकलवा कर बंजर भूमि पर औरंगजेब बेग पुत्र स्वर्गीय मुंशी बेग द्वारा पटवाने का काम किया जा रहा था। एक तो अवैध मिट्टी जो निकलवाई जा रही थी वो तो मानक को दरकिनार करके निकलवाई जा रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक पहलू ये है कि जो मिट्टी जिस जमीन से निकलवाई जा रही थी वो बंजर की जमीन थी जी। और जिसमें पटाई का काम किया जा रहा था उसमें वो भी बंजर की जमीन थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है सरकारी जमीन पर लोगों की निगाह बनी हुई है, और ऐसे में दो पहलू है, एक तो अवैध तरीके से मिट्टी निकलवाना और बंजर भूमि पर कब्जा करना। तो राहुल, अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है पूरे मामले में? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 4 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को सीज किया गया है, और इस मामले में खनन अधिकारी से जब हमने कहा कि आप इसमें बयान दीजिए, अपना पक्ष रखिए, कैमरा फेस करिए, तो उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, जबकि वो जिले के सबसे बड़े जिम्मेदार खनन विभाग के जिला खनन अधिकारी हैं, और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। हालांकि जिला अधिकारी से बात हुई है इस मामले को लेकर के, अभी कुछ देर पहले मैं उनसे इस मामले को लेकर पूरा अवगत हूँगा और उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानूंगा आखिरकार खनन अधिकारी कैमरे से बचते क्यों नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद राहुल। वहीं बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर गाजियाबाद शिक्षा विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जारी की गई एडवाइजरी में स्कूली बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर आने को स्कूल को निर्देशित दिया गया है। विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं समेत सभी को स्कूलों को प्रवेश द्वारा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। क्लासरूम रेलिंग समय झूलों आदि की भी समय समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। बच्चों में खांसी जुकाम बुखार आने की समस्या होने पर अभिभावकों को स्कूल ना भेजने को कहने और उपचार के लिए प्रेरित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां कमिश्नरेट नरवल थाना के ग्राम पंचायत टीकर भाव में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई और अभी भी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।